दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूँ उसका एनएवी देखो 306 रुपए का है। एनएवी बहुत ज्यादा है। अगर मैं 1 साल में रिटर्न की बात करूंगा तो 13.5% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3 साल में बात करेंगे तो 34% का सीएजीआर है। 5 साल में बात करेंगे तो 15% का सीएजीआर है। और मैक्सिमम बात करेंगे तो 17% का सीएजीआर है। अब जबकि मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो 17% का सीएजीआर ये म्यूचुअल फंड दे रहा है रिटर्न। ठीक है, म्यूचुअल फंड की खूबसूरती होती है कि रिटर्न यहाँ पर कंपाउंड होकर मिलता है। ठीक है, अब लोग कहेंगे यार 17% का तो रिटर्न अच्छा है, पर मेरे मित्रों मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने और भी मछलियाँ देख रखी हैं इस समुद्र में, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये म्यूचुअल फंड खराब है। खराब है रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, अगर आपके पास है तो ठीक है। ये म्यूचुअल फंड 17% का है, 1-2% के लिए क्या ही जाओगे। अगर नया अगर मैं दूसरे म्यूचुअल फंड सेम कैटेगरी में अगर दूसरे म्यूचुअल फंड में जाओगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे बंधन देख लो, ठीक है, HSBC देख लो, उन लोगों ने इससे अच्छा रिटर्न दिया है और साथ ही साथ उनका NAV भी 100 रुपये के नीचे है। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि आप दूसरे म्यूचुअल फंड भी एक बार देख लो। अब वो दूसरे म्यूचुअल फंड कहाँ मिलेंगे, उनके मैं इनडेप्थ एनालिसिस कैसे देखूँ, तो इसके लिए मेरे मित्रों मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे मित्रों जब आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो यूट्यूब भी आपको रिकमेंड कर देगा अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स मेरी प्लेलिस्ट से। ठीक, तो आप ये चीज़ कर लेना, काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है तो जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो। जबकि मैं मैक्सिमम 17% का रिटर्न की बात कर रहा हूँ तो ये म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट अपने म्यूचुअल फंड हाउस में 10 साल दे चुका है, जो कि अच्छी चीज़ है। 4 out of 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है, तो रेटिंग भी बहुत अच्छी मिली हुई है इस म्यूचुअल फंड को। साथ ही साथ ICICI म्यूचुअल फंड आप देख चुके हो, इसकी मैं बात कर रहा था, शंकरन नरेन एंड धर्मेश कक्कड़, ये दो फंड मैनेजर रहेंगे आपके, इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यही दो एक ऐसे बंदे हैं जब आप रात को चद्दर तान के सो रहे होते हो तो ये दोनों बंदे फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं। किस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन से शेयर्स को लेना है, कौन सा शेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको निकाल के बाहर फेंकना है, कितने रिस्क के साथ उसको बाहर फेंकना है, लॉस होता है म्यूचुअल फंड के तो उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, बहुत सारी जो समस्याएं होती है एक म्यूचुअल फंड हाउस फेस करता है वो केवल आपके लिए लेता है। इसके लिए वो थोड़ा सा आपसे केवल एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। और ये समाज सेवा ही मान लो कि भारत देश में हमको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट फ्री में ही मिल जाती हैं। और ठीक है यार, जो जो चीज़ कुछ लोग बोलेंगे यार फ्री की चीज़ अच्छी नहीं होती, मेरा मानना है यार फ्री की चीज़ अच्छी हो ना हो लेकिन अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली लेना चाहिए, चाहे वो फ्री में मिले चाहे पैसे देके मिले। और इनफैक्ट अगर फ्री में मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्री में ज़रूरत है, बल्कि मेरा मानना है मेरे जैसे लोगों को तो फ्री में सब कुछ ज़रूरत है। ठीक, मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मुझे तो सब कुछ ज़रूरत है। तो बस फ्री में आप केवल एक काम कर सकते हो, चैनल पर जो लाल बटन बगल में दिख रहा है ना राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब बटन, उसको टिक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के थ्रू टिक करवा भी सकते हैं। रिस्क चूंकि इस म्यूचुअल फंड में आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, तो मेरे मित्रों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी बहुत मेहनत की गाड़ी कमाई है तो कृपया किसी भी म्यूचुअल फंड में जब तक इनडेप्थ एनालिसिस के साथ साथ मेरे म्यूचुअल फंड के वीडियो को देखने के साथ साथ कहीं और भी उसको देखो, अपने फंड मैनेजर से भी संपर्क करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी संपर्क करो, कोई फ्रेंड जो CA कर रहा हो या CA पास आउट हो, ठीक, या कोई LLB हो, ठीक, या किसी को फाइनेंस में अच्छा नॉलेज हो, ठीक, या आप कोशिश करो यार न्यूज़ चैनल वाले भी कॉल वाला फंडा बनाते हैं कि कॉल करो उनसे पूछ लो, तो कॉल करके पूछ लो कि जब आप ये सारी चीज़ें जब आप किसी एक म्यूचुअल फंड के लिए करके देख लेते हो तो डेफिनेटली आपका पैसा स्टॉक मार्केट में बनता ही बनता है। ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। साथ ही साथ एक चीज़ बहुत ईजी होती है कहना कि अगर आप रेगुलर प्लान के साथ टिके हुए होते हो तो डेफिनेटली रेगुलर प्लान की जगह आप डायरेक्ट प्लान हमेशा सेलेक्ट करना। ICICI प्रूडेंशियल की बात करूंगा, एक अच्छा फंड हाउस है। वैल्यू डिस्कवरी फंड की बात करूंगा तो देखते हो 17.5% के आसपास का इस म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम रिटर्न 10 साल में डिलीवर करके दिया है। 20-25 सालों में कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा हो जहाँ 17-17.5% के आसपास का CAGR के हिसाब से अगर कंपाउंड कर दिया 20-25 साल तक, तो यकीन मानना मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया कॉर्पस आपका भी बन जाएगा। 27,670 करोड़ का आपका असेट साइज है। 1.23% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज कर रहे हैं। 4.69% का कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को, या जो वैल्यू ओरिएंटेड फंड है ना यार, इन लोगों ने जो बेंचमार्क है बहुत ऊपर लिया है, तो बस यही चीज़ मुझे ख़राब लग रही है कि जो बेंचमार्क है ना वो हल्का सा होना चाहिए यार। जैसे निफ्टी हो गया 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स हो गया, 500 शेयर्स में से 30-40 सेलेक्ट करना, ठीक, प्लान ग्रोथ है आपका 12 महीने के अंदर, इन्होंने बड़ा यूनिक स्टाइल में लिखा है। बाकी जगह मैं देखता था 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड है, इन्हें बड़ा प्यारा लिखा है 12 मंथ लिखा है।
12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे ये लोग एग्जिट लोड ले लेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ और चीज़ों पर। अब अगर मैं बात करूँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये शक्तिमान में सुनने को मिलता था, है ना। सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँगा तो टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कैश होल्ड करके कुछ चल रहे हैं, कुछ सर्विसेज में पैसा आपका लगा हुआ है, कंज्यूमर स्टेपल्स, इंश्योरेंस, कैपिटल गुड्स, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और मटेरियल, ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर इन शेयर्स की बात करूँगा कि इन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन शेयर्स के किन किन शेयर्स को इन्होंने टारगेट किया, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। ONGC 7.95% पैसा पड़ा हुआ है, सन फार्मास्यूटिकल, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ICICI बैंक, कुछ अदर्स यानी कि ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मेरे मित्रों एक चीज़ यहाँ से मैं आपको रोकना चाहूँगा, यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ऑलरेडी 10 म्यूचुअल फंड सपोज डेट मान लेते हैं कि आप 10 म्यूचुअल फंड ओन करके चल रहे हैं, ठीक, कोशिश करना कि उन 10 म्यूचुअल फंड्स का एक बार आप रिव्यू जरूर देख लेना मेरे चैनल पर, आपको रिव्यू मिल जाएगा। मैं तो आप गारंटी लेता हूँ आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड पड़ा होगा मेरे चैनल पर रिव्यू जरूर पड़ा होगा। केवल आप मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट है ना, आप अपने म्यूचुअल फंड जो भी आपके पास है उसका रिव्यू देखो। रिव्यू देखने के बाद में मैं वहाँ पर बताता हूँ कौन कौन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, साथ ही साथ किन किन शेयर्स में आपका पैसा है, ठीक। अब उन शेयर्स को ना एक जगह नोट करके रख लो, उन 10 म्यूचुअल फंड का, ये थोड़ी सी वर्किंग है, ये आप कर लोगे तो बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। कैसे, देखो उन सभी जो शेयर्स होंगे उन सभी को नोट करके रख लो, उनमें ऐसे काटते जाओ जो कॉमन शेयर्स हों, ठीक, उनमें से काटते जाओ जो कॉमन शेयर्स हों। इसके बाद ये देख लेना अगर किसी म्यूचुअल फंड में कोई भी दो म्यूचुअल फंड हो या दो से ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा अगर सेम शेयर्स पड़े हुए हैं, सेम शेयर्स पड़े हुए हैं 50% से ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपको केवल एक ही म्यूचुअल फंड उनमें से रखना चाहिए, बाकी को आपको एग्जिट कर देना चाहिए। सोच के देखो क्यों ऐसा, क्योंकि देखो अगर वो म्यूचुअल फंड कोई भी एक ऊपर जाएगा तो वो सारे म्यूचुअल फंड्स आपके ऊपर जाएंगे, कोई भी अगर एक म्यूचुअल फंड नीचे गिरेगा तो वो सारा म्यूचुअल फंड नीचे गिरेगा, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में टिकने से फ़ायदा क्या है, ठीक, ये आपके नॉलेज के लिए था। वोडाफोन ग्रुप, इसके साथ साथ PLC UK, HCL टेक्नोलॉजी, ITC, वियाट्रेस इनकॉर्पोरेशन, हिंडालको इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर, भारत पेट्रोलियम, TVS मोटर, LIC हाउसिंग, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI लोम्बार्ड, हीरो मोटोकॉर्प, जी इंटरटेनमेंट, SBI कार्ड, ल्यूपिन लिमिटेड, इसके साथ साथ GE शिपिंग, एक्साइड इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ, UPL, मारुति सुजुकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान एयरनोटिक्स, मैक्स फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल एंड नेटको फार्मा एंड विप्रो लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन, ग्लैंड फार्मा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, कल्पतारू पावर, गेटवे रेल फ्रेट, संवर्धन मदरसम, जाइडस वेलनेस, टेक महिंद्रा, बाटा इंडिया, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा, ठीक। इसी के साथ साथ अगर मैं आप बात करूँ ICICI प्रूडेंशियल की, असेट मैनेजमेंट कंपनी की, ये टोटल देखो 240 स्कीम को मैनेज करके चलते हैं। अब 240 में से अभी जो मैंने ऊपर बात करी एक स्कीम थी, ठीक, वो एक स्कीम थी। अगर उस स्कीम में से अगर मैं बात करूँ 200 स्कीम में से अगर मैं अब असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूँ, ICICI प्रूडेंशियल कैसा है, ठीक, 486,990 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है, भारत के अंदर टॉप 10 के अंदर ICICI प्रूडेंशियल का नाम आता है, ठीक है, तो एक अच्छा फंड हाउस है ये भी, 240 स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों यहीं से मैं वीडियो को विराम दूंगा, ऑल इन ऑल फंड्स की बात करूंगा तो अच्छा रिटर्न है, पर इससे भी अच्छा सेम कैटेगरी में इससे भी अच्छा रिटर्न दूसरे म्यूचुअल फंड दे चुके हैं, केवल आप इसके लिए मेरी प्लेलिस्ट को सहारा बना लेना। मेरे मित्रों चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, कल फिर मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।